कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भूगोल का पेपर और प्रकाशित फाइनली आपके यहाँ पर भूगोल का पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल चलित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में सर भूगोल कक्षा 11वीं पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 नंबर करेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला और निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित है। तीसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपके यहाँ पर 30 शब्द है। चौथा निर्देश आता है, पांचवा निर्देश तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से दिख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 5 नंबर के आते हैं। तो फिर आता सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं स्थलमंडल पर, जलमंडल पर, वायुमंडल पर, इनमें से कौन नहीं। तो आप यहाँ पर सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा स्थलमंडल पर। फिर दूसरा आता है गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो आता भूमध्य रेखा में, मकर रेखा में और कर्क रेखा में, ध्रुवों में। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो इसका आंसर है ध्रुवों में। अब आपके यहाँ पर आता है तीसरा, महाद्वीप अलग कैसे हुए, ज्वालामुखी फटने से, चट्टानों के बालन से और विवर्तन क्रिया से और उपयोग सभी। तो यहाँ महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सा हो जाएगा विवर्तन क्रिया से। तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखना और शादी सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। चौथा आता डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है, तो इसका आंसर आपको दा हो जाए नदी। आपका पांचवा आता उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा लू, ठीक है। इस तरह से आपकी 5 नंबर के जो सही विकल्प है वो कम्प्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका स्थलमंडल और दूसरे का आंसर आपका ध्रुवों और तीसरे का आंसर आपका विवर्तन क्रिया से और चौथे का आंसर आपका नदी हो जाएगा और पाँचवें का आंसर आपका लू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प है वो कम्प्लीट हो जाते हैं। अब आप क्या आते हैं देखते हैं स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था मानसून शब्द, मानसून शब्द डोंडोट भाषा के शब्द से बना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मौसम, ठीक है। मौसम शब्द से बना है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका यहाँ पर मौसम हो जाएगा, ठीक है, मौसम शब्द से बना है। अब चलिए आपका जो दूसरा रेगिस्तान वो देख लेते हैं। दूसरा रेगिस्तान आपके यहाँ पर आता भारत की जलवायु डोंडोट प्रकार की है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की जलवायु डोंडोट प्रकार की जलवायु है, तो 6 प्रकार की, ठीक है, भारत की जलवायु 6 प्रकार की जलवायु है। तो दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपके यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपके यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता, तीसरा था दक्कन के पठार का निर्माण डोंडोट से हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, ये आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। अब चौथा आपका यहाँ पर आता है सर्क का निर्माण डोंडोट अपरदन कारक द्वारा होता है, तो यहाँ पर सर्क का निर्माण मृदा अपरदन कारक द्वारा होता है, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर मृदा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर मृदा हो जाएगा। अब आपका पांचवा आता भूगोल भू एवं डोंडोट शब्द से मिलकर बना, तो भूगोल भू एवं, ठीक है, गोल से मिलकर शब्द, गोल शब्दों से मिलकर बना। दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर, सॉरी, जो पांचवें रेगिस्तान है उसका आंसर आपका यहाँ पर गोल हो जाएगा, ठीक है। अब छठवां आपके यहाँ पर आता पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत डोंडोट कहलाती, तो यहाँ पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत करोड़ कहलाती है, तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान, पहले का आंसर आपको मौसम, दूसरे का आंसर 6 हो जाएगा, तीसरे का आंसर आपका बेसाल्ट चट्टान, चौथे का आंसर आपको मृदा, पांचवें का आंसर आपको गोल और 6वें का आंसर करोड़। तो ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन, जल्दी से आप स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 नंबर की जो यहाँ पर रेगिस्तान वो आपके कम्प्लीट हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ प्रश्न 3 आते हैं, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, आपकी कॉलम आओ बाम में दी गई सही जोड़ी। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर पहली आती है, आप यहाँ पर आते हैं जेट पवन, ठीक है, जेट पवन को मैं आपको कर देना है यहाँ पर तेज गर्म वायु, ये आपकी पहली हो जाएगी। और फिर आपके आती है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मौसम राम में होती है, दूसरी आपकी ये हो जाएगी। और नर्मदा व ताप्ती नदियाँ, ठीक है, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ आपकी यहाँ पर हो जाएगी, भैंस घाटियाँ, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। और थार मरुस्थल आपको हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, आपको चौथा हो जाएगा। और हिमालय आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्लैक पर्वत, ये आपका पांचवा हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो 5 नंबर की सही वो कम्प्लीट हो जाती है, जेट पवन आपकी तेज गर्म वायु, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में, नर्मदा में ताप्ती नदियाँ हो जाएंगी आपकी भैंस घाटियाँ, और थार मरुस्थल आपके यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, और पांचवी आती है हिमालय, हिमालय को मैच करना आपको ब्लैक पर्वत से। तो आप जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इस तरह से हमने आपकी यहाँ पर सही उड़ी करा दी जो 5 नंबर की थी। अब आपके प्रश्न 4 आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पृथ्वी का व्यास कितना है ये आपको बताना, ठीक है। तो जो आपका पृथ्वी का व्यास है वो है आपके यहाँ पर
ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर 12,742 किलोमीटर, ठीक है आपका जो यहाँ पृथ्वी का व्यास है वो है आपका 12,742 किलोमीटर, ये आपको पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में बांटा गया, तो यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया, ठीक है तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख ली दूसरे आपके यहाँ पर आंसर 3 हो जाता रहेगा। अब आपके यहाँ पर तीसरा था पृथ्वी कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो यहाँ पृथ्वी के 29 से 30 पृथ्वी के 29 से 30 भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, ठीक है तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख ली तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा 29 से 30 पर, ठीक है 29 से 30 पर। अब आपका चौथा यहाँ पर सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो आपके यहाँ पर सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलम, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए आपके जो यहाँ पर आंसर रहेगा चौथे का आंसर आपका यहाँ पर झेलम, ठीक है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है चौथे का। अब चलिए आपका पाँचवा यहाँ पर आता है, पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है जुलाई माह में, ठीक है जुलाई माह में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पाँचवें का आंसर आपके यहाँ पर जुलाई हो जाएगा। अभी आपका छठवां आता है दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो आपके यहाँ पर छठवें का हो जाएगा आंसर तमिलनाडु, ठीक है इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 172 कम्प्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका रहेगा 12,742 किलोमीटर, दूसरे का आंसर आपका 3 रहेगा, तीसरे का आंसर आपका 29 से 30 पृथ्वी पर, और चौथे का आंसर आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पाँचवें का आंसर आपको जुलाई हो जाएगा, छठवें का आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तो इस तरह से आपके 172 कम्प्लीट हो जाते हैं। अब आपके सत लिखिए, तो संवहनी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा 7, और डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर आता मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 7, और आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है चौथा आपका 7 हो जाएगा। दक्कन की पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, तो पाँचवा जो आपका रहेगा पाँचवा आपके यहाँ पर 7 हो जाएगा, और क्रोड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 7, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 कम्प्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर सम्मानी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, तो आपका 7 रहेगा, डेल्टा के भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो ये आपका 7 हो जाएगा, मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 7, आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है आपका 7 रहेगा, और दक्कनी पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ तो ये आपका यहाँ पर 7 रहेगा, और क्रोड हमेशा तरल अवस्था में पाया तो ये आपका 7 रहेगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन, ये आपके यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी, ठीक है और ये आपके 172 का सॉल्यूशन है, तो 172 का सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं पूरी अपडेट हमने करा दिए। अब प्रश्न 6 आता है शीत ऋतु समय विधि कब से कब तक होती है, अथवा था भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, दो नंबर के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। फिर आपका आता ITCZ का पूरा नाम लिखिए, अथवा था ग्रहों का निर्माण किस हुआ, और आपका प्रश्न 8 आता नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति का नाम लिखिए, अथवा था भूकंप के कितने प्रकार हैं लिखिए। अब प्रश्न 9 आता डेल्टा किसे कहते हैं, अथवा था कैनियम किसे कहते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन आता सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, इसका अथवा देख लेते हैं, तो आपका अथवा था ज्वारी बल किसे कहते हैं। फिर आपका प्रश्न 11 था भू यु आकार की घाटी निर्माण कैसे होता है, अथवा मृदा आपदा क्या समझाइए। प्रश्न 12 आता तारों का निर्माण कैसे हुआ है, अथवा था पार्थिव ग्रहों क्या है एवं इनकी संख्या कितनी होती है, इनके आंसर भी हम कराएंगे, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे इसी वीडियो में। और आपका यहाँ पर 13 था बिग बैग सिद्धांत क्या समझाइए, अथवा था ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया नाम लिखिए। अब 14 आता पेंजिया एवं पैथाशाला का अर्थ बताइए, थोड़ी पैसा लाशा का अर्थ बताइए इसका, अथवा तो अथवा देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन था दक्कन के पत्थर की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, अथवा था अपसारी और अभिसारी प्लेट का वर्णन कीजिए। प्रश्न 16 था प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए, अथवा था भूकंप के कोई 3 प्रकार को समझाइए। 17वां क्वेश्चन था पृथ्वी की आंतरिक संरचना संचित्र का वर्णन कीजिए, अथवा था पवन के निक्षेप से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों को समझाइए। प्रश्न 8 आता नदी के निक्षेप से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों को समझाइए, अथवा आता नदी के द्वारा होने वाली अपरदन को समझाइए। प्रश्न 19 आता हिमनद द्वारा बनने वाली अपरदन स्थलाकृतियों को समझाइए, अथवा आता बैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता भारत के मानचित्र में दशाई कार्य रेखा खंबात की खाड़ी और पाक जल संधि जम्मू सिक्किम, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, अथवा आता तो भारत के मानचित्र में दर्शाई चिल्ला झील, नर्मदा नदी,
नीलगिरी पर्वत, लद्दाख और मिनिका, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से आपका जो पूरा प्रिपेयर करके 11वीं का भूगोल वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी प्रिपेयर के सोल्यूशन। ठीक है, बाय बाय।